हेलो एवरी वन माइनज सर पे एंड वेलकम बैक टू ऑन द केस स्टडी विद मी रियली सॉरी यू कैन हेयर द बैक ग्राउंड नॉइस टूडे हमारे घर के पास में जगराता हो रहे हैं थोड़े दिन बाद पे शादियाँ शुरू होने वाली हैं सो आई कैन नॉट रिल डिले दिस वीडियो बट आई वीट ट्राई टू फिक्स एटन पोस्ट सो लस्सी कि क्या होता है ऑल्सो आज का केस स्लेश मेरे यू पी आई वाले बैकलॉग का है सो डोंट थिंक लाइक दिस कि मैं अपना यू पी आई वाला बैकलॉग खत्म नहीं करूँ आई एम वर्किंग ऑन इट बट विदाउट एनी फर्दर हड लेट्स स्टार्ट विद दिस केस हर देश की अलग अलग सीक्रेट एजेंसीज होती हैं जैसे कि आईसिस एस सी आई या रॉ और ये एजेंट्स दूसरी कंट्रीज़ को इन्फिल्ट्रेट करके वहाँ से इन्फो अपनी कंट्रीज़ में भेजते हैं दिस इज़ अ नोबल चैलेंजिंग एंड अ वेरी डेयरिंग वर्क पर इस काम के साथ एक कर्ज भी आता है जिसमें यह कहा जाता है कि अगर दूसरी कंट्रीज़ में जासूसी करते हुए आप पकड़े गए तो तब आपकी खुद की कंट्री आपसे कट ऑफ कर देती है और इंडिया में भी कहीं ऐसे जासूस हैं जिन्होंने इंडिया की कहीं सालों से बहुत मदद करी है एक अगर हम स्पेसिफिक जासूस की बात करें तो ज़्यादा लोग उनके बारे में नहीं जानते थे बिकॉज यू नो ही अ जासूस बट ही रियली वॉज अ लेजेंड एंड उनके दिल में जो देशभक्ति थी वो वर्ड्स में कह पाना बहुत मुश्किल है अपनी फैमिली को छोड़कर अपने कम्फर्ट को छोड़कर दूसरे देशों में जाना और इतना बड़ा टास्क करना कोई आम बात नहीं है सो लेट्स लर्न अ लिटिल मोर अबाउट केस रिवॉल्विंग अराउंड रविंद्र कौशिक रविंद्र कौशिक वॉज बॉर्न इन श्री गंगानगर राजस्थान ऑन इलेवेंथ अप्रैल, 1952। रविंद्र कौशिक एक ब्राह्मण फैमिली को बिलोंग करते थे उनके डैड जे एम कौशिक इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर थे और उनकी मॉम हाउसवाइफ थी रविंद्र की फैमिली में चार भाई बहन थे जिनमें से वो दूसरे नंबर पर थे बहुत ही छोटी उम्र से उन्हें एक्टिंग का बड़ा शौक था और कॉलेज में बीकॉम करते हुए वो थिएटर में नॉर्मल प्लेस और साइड रोल्स अपने ही एरिया में करते थे एज यू कैन सी फ्रॉम द फोटोज दैट ही अ वेरी हैंडसम जेंटलमैन तो ये एक्टिंग चौप्स मिलना उनके लिए इतना मुश्किल नहीं था जैसे कि मैंने कहा कि रविंद्र गडाट इंडियन एयरफोर्स में थे तो अपनी फैमिली से और उन्हें खुद से भी अपने देश के लिए कुछ करना था सच्ची देशभक्ति थी उनके अंदर तो जब वो प्लेस करते थे तो ज्यादातर टाइम पर वो एक आर्मी ऑफिसर का ही रोल प्ले करते थे और एक बार ऐसे ही लखनऊ में कॉलेज की तरफ से एक आर्मी ऑफिसर का रोल प्ले करते हुए रविंदर कौशिक पर कुछ लोगों की नजर पड़ी और ये लोग रॉके थे द आज हिम जैसे तुमने इतने फील के साथ एक सोल्जर की एक्टिंग करी है, इट फेल्ट रेली ओरिजिनल तो क्या तुम में सच में इतनी देशभक्ति है ही रिप्लाइड यस सो हिम एजेंट्स ने रविंद्र कौशिक को दिल्ली आने के लिए कहा पहले एजेंट्स ने रविंद्र से कहा कि तुम्हें एक गवर्नमेंट जॉब के लिए दिल्ली बुलाया जा रहा है पर दिल्ली पहुंचकर रविंद्र को सारी डिटेल्स पता चली और उन्हें यह बताया गया कि तुम्हें यहाँ रॉ का एक हिस्सा बनने के लिए बुलाया गया है रॉ वाले अब एकदम से हर जगह जाकर ये तो नहीं बोलेंगे कि तुम्हें रॉ में ले रहे हो इसीलिए उन्होंने रविंद्र को पहले दिल्ली बुलाकर परखा और फिर उन्हें रॉ की सारी डिटेल्स बताई इससे पहले रविंद्र ने रॉ के बारे में कभी नहीं सुना था ही काइंड आई हैड दिस आइडिया कि इंडिया से काफ़ी सारे सीक्रेट एजेंट्स दूसरे देशों में जाते हैं पर ये स्पेसिफिक वर्ड रॉ उन्हें नहीं पता था इसके बाद फिर से रॉ एजेंट्स ने रविंद्र कौशिक के सामने एक प्रस्ताव रखा कि क्या तुम हमारी एजेंसी को ज्वाइन करना चाहोगे इन एजेंट्स ने रविंद्र को सारी डिटेल में समझाया कि ये काम कितना ख़तरनाक है कैसी ज़िंदगी होती है यहाँ के एजेंट्स की एंड ही सेड यस अगेन इवन आफ्टर नोइंग कि यहाँ काम करना कितना जोखिम भरा है एक्सेप्टिंग दैट ऑफर वॉज हार्ड फॉर रविंद्र एज़ वेल क्योंकि वो अपनी फैमिली को अपने फ्रेंड्स को ये नहीं बता सकते थे कि मैं एक्चुअल में क्या काम करने जा रहा हूँ पर उनके अंदर इतनी देशभक्ति थी कि उन्हें इस डिटेल से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था और कॉलेज ख़त्म होने के सीधा बाद रविंद्र की ट्रेनिंग अमृतसर में शुरू हो गई दो साल के लिए रविंद्र को एक स्पेशल टास्क के लिए तैयार करा जा रहा था विच वॉज कि उन्हें पाकिस्तान एक सीक्रेट अंडर कवर एजेंट बनकर जाना है और वहाँ से सारे इन्फॉर्मेशन इंडिया भेजनी है और सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही नहीं पाकिस्तानी एक्टिविटीज पर उन्हें नजर रखनी थी उन्हें ऑब्जर्व करना था और इस चीज़ के लिए उनकी निजी आदतें उनके बात करने का तरीका उनकी लैंग्वेज उन्हें सब कुछ सिखाया जा रहा था पाकिस्तान के काफी सारे इलाकों में पंजाबी बोली जाती है एंड बींग फ्रॉम श्री गंगानगर ही ऑलरेडी न्यू पंजाबी बट उन्हें उर्दू नहीं आती थी तो पाकिस्तान में वर्ष होने के लिए उन्होंने सब पढ़ा उर्दू कुरान नमाज वहाँ के लोकल बुक्स भी पर बस पढ़ना और लैंग्वेज जानना इतना काफ़ी नहीं था जब वो पाकिस्तान की सारी चीज़ें पढ़ रहे थे तो रॉ एजेंट्स रविंद्र को परखना चाहते थे और इससे पहले देखने के लिए कि क्या रविंद्र इतना प्रेशर उठा पाएंगे काम ढंग से कर पाएंगे या फिर जिम्मेदारी और अपनी ड्यूटी ढंग से निभा पाएंगे इसके लिए रॉ ने रविंद्र को छह सात देशों में भेजा एकदम से एक रुकी को इतने बड़े मिशन के लिए पाकिस्तान नहीं भेज सकते तो इसीलिए पहले रविंद्र को परखने के लिए उन्हें छह सात देशों में भेजा गया था जहां रविंद्र कौशिक ने रॉ एजेंट्स की उम्मीद से ज्यादा अच्छा काम करा रविंद्र कौशिक वॉज वेरी गुड एंड ही वॉज वेरी वेल सूटेड टू बी अ रॉ एजेंट पर अब काम था रॉ एजेंसी का ये तो तय था कि ये आदमी एक सच्चा देशभक्त है और ये काम भी ढंग से कर सकता है पर पाकिस्तान में इनके आइडेंटिटी और रविंद्र के ट्रेसेस हटाने का काम था रॉ का तो इसीलिए इंडिया में रविंद्र कौशिक नाम की डेथ हो गई थी रिकॉर्ड्स में रविंद्र जी इस्लाम में कन्वर्ट हुए उनका सरकम भी हुआ और उनका नाम रविंद्र कौशिक से नाबी अहमद शकीर हो गया उनका पाकिस्तान में राशन कार्ड बनाया गया उन्हें घर दिलाया गया उनका आइडेंटिटी कार्ड बनाया गया और इन सब तैयारियों के बाद 1975 में रविंद्र कौशिक फाइनली पाकिस्तान गए पर यहाँ पर जरूरी बात ये थी रॉक का प्लान था रविंद्र कौशिक को पाकिस्तान में काफी लंबे टाइम तक रखना तो उन्हें पाकिस्तान में जाकर एक आम आदमी जैसे रहना था दोस्त बनाने थे शादी करनी थी बच्चे पैदा करने थे और पाकिस्तान में रहकर उन्हें वहां नेटवर्क बनाना था इंफॉर्मेशन के लिए वो एक आम जिंदगी जीते पर जैसे ही इंडिया को उनकी जरूरत पड़ती वो वापस अपनी ड्यूटी पर आ जाते और एक एजेंट की जॉब में खतरा बहुत ज्यादा होता है एज एम ब्रिटिश और यू गाइस नो तो नाबी अहमद पहले कुछ साल एकदम लो प्रोफाइल रहे वो पाकिस्तान में एक आम पाकिस्तानी की तरह रहने लगे पाकिस्तान जाकर सबसे पहले उन्होंने कराची यूनिवर्सिटी में एलएलबी में एडमिशन लिया और उनका एडमिशन वहाँ आसानी से लॉ में हो भी गया और वहीं यूनिवर्सिटी में वो लोकल लोगों को अपना दोस्त बनाने लगे वो इधर उधर काम भी करने लगे पर उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी वापस भेजने के लिए तो एक दिन जब वो कराची में न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे तो उन्हें न्यूज़पेपर में एक जॉब पोस्टिंग दिखी पाकिस्तानी आर्मी में सोल्जर्स के भर्ती होने की पोस्टिंग इवन दो इट वॉज अ वेरी लॉन्ग शॉर्ट नाबी अहमद ने पाकिस्तानी आर्मी ज्वाइन करने की सोची उन्होंने पहले अपने प्लान के बारे में रॉ से अप्रूवमेंट ली सो फिज़िकल टेस्ट के बाद नाबी अहमद का पाकिस्तानी आर्मी में सिलेक्शन हो गया दिस वॉज़ अ वरफुल न्यूज़ फॉर हिम क्योंकि जो इनको पाकिस्तानी आर्मी में खुद मिलेगी उन्हें वो और कहीं नहीं मिल सकती पर वह आर्मी जॉइन करने के बाद एकदम से स्नूपिंग नहीं कर सकते थे सो so, रविंद्र पे बहुत दिमाग था। उन्होंने आराम से पाकिस्तानी आर्मी में दोस्त बनाए वहाँ के लोगों से घुले मिले उन्होंने वहां के कमांडर्स का अब विश्वास होने लगा था बट अहमद और रविंद्री जस्ट वॉजन देर साइलेंटली पाकिस्तानी आर्मी में भी क्लाइंब करते हुए ये बहुत हाई पोस्ट पर मेजर इन पाकिस्तानी आर्मी वेन ही वॉज जस्ट ट्वेंटी फाइव 25 साल में ही ही हैड ऑलरेडी इंफिल्ट्रेटेड पाकिस्तानी आर्मी गेंड एवरी वन ट्रस्ट और तो और वो वहां मेजर भी बन गए थे दिस वॉज आर्मी के सारे movements, सारे plans पता होते हैं और ये मूवमेंट के इन्फो वापस इंडिया भेज कर वो काफी सारे लोगों की मदद कर सकते थे। काफी सारे लोगों की वो जाने बचा सकते थे अपना ज्यादातर टाइम पाकिस्तान में रविंद्र कौशिक ने एक स्पेसिफिक टास्क के लिए दिया उन्होंने पाकिस्तान में अटोमिक पावर प्लांट और मिसाइल प्रोजेक्ट के बारे में इन्फो इंडिया भेजी थी और कभी भी किसी को काम कान खबर नहीं पड़ी कि कोई पाकिस्तान से इंडिया इस प्लांट के बारे में भेज रहा है इसीलिए इंडिया में पूरी रॉ डिपार्टमेंट रविंद्र से खुश थी उनकी तरक्की से इंडिया बहुत खुश था अब मेजर बने हुए इन्हें वहां दो साल हो गए थे तो वहां आर्मी में जो एक लोकल दर्जी थे रविंद्र कौशिक को उनकी बेटी दिखी बेटा अमगान से हिज पाकिस्तानी नेम सो नाबी अहमद को उनकी बेटी पसंद आ गई जिनसे उन्होंने कुछ महीने बाद शादी भी कर ली एंड हर नेम वॉज़ अमानत तो अमानत से इनकी शादी हो गई निगाह हो गया और इनका एक बेटा भी हुआ अब तो लिटरली कोई गुंजाइश ही नहीं थी कि, कि किसी को ऐसा लगे कि ये पाकिस्तानी नहीं है पर यह इन्फो कि अहमद की शादी अमानत से हुई थी इस बात में दो हेज़ी चीज़ें हैं पहला पॉइंट तो ये बताना कि अहमद ए के ए रविंद्र ने अमानत से शादी इसलिए करी क्योंकि ऑब्वियसली शादी का डिसीजन बहुत अच्छा होता इससे उन्हें हेल्प होती और कोई भी उन पर शक नहीं करता ऑब्वियसली रविंद्र ने यह प्लान बिना रॉ के परमिशन के नहीं करा था और रॉ को ये शादी का प्लान बताने के बाद रॉ उनके फैसले से सहमत थी पर दूसरा पॉइंट यहाँ पर यह था कि शायद रविंद्र को अमानत से सच में बहुत ज्यादा प्यार हो गया था कहना है कि वो उन्हें कहीं बार देखा करते थे एंड इवन दो उन्होंने कभी भी अमानत को अपना रियल नेम या फिर रियल आइडेंटिटी नहीं बताई थी फिर भी दिस इज अ स्टेटमेंट आउट देयर कि रविंद्र या फिर अहमद को सच में अमानत से मोहब्बत हो चुकी थी अब आर्मी में मेजर शादी भी हो गई बच्चा भी हो गया पर रविंद्र अपना मकसद नहीं भूले थे जब भी पाकिस्तान कुछ बड़ा करता या फिर इंडिया पे अटैक करने का प्लान करता तो रविंद्र सीधा वो इन्फो इंडिया भेज देते थे जिसकी वजह से न जाने कितने लोगों की जाने बची थी कितने इंडिया के प्लान सक्सेसफुल हुए थे और वहां इतने साल काम करने के बाद पता नहीं कितनी वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन रविंद्र ने इंडिया भेजी थी और ये सारी इंफॉर्मेशन भेजने का काम रविंद्र सेवेंटी से नाइनटीन तक कर रहे थे आई एम दिस थिंग टू प्रूव यू दैट ही अ वेरी

उनके छोटे भाई की शादी थी उन्होंने रॉ से अपील करी कि प्लीज मुझे इंडिया आने दीजिए एंड नॉर्मली रॉ ऐसे अलाउ नहीं करती पर्सनल मैटर्स की वजह से इंडिया वापस आने के लिए क्योंकि एक छोटी सी गलती से उनका सारा कवर खराब हो सकता है इतने सालों की मेहनत एक छोटी गलती से पूरी बर्बाद हो सकती है तो रॉ नॉर्मली अलाउ तो नहीं करती थी ऐसी चीजें पर रविंद्र कौशिक अपने भाई से बहुत प्यार करते थे तो उन्होंने रॉ एजेंट से काफी ज्यादा अपील करी एंड लास्ट में रॉ एजेंट्स मान गए कि ओके तुम यहाँ कुछ दिन के लिए वापस आ सकते हो पर डायरेक्ट फ्लाइट या फिर ट्रांसपोर्ट से नहीं

तुम भी अब शादी कर लो तो विच रविंद्र रिप्लाइड कि मैंने तो शादी कर ली है पर किससे करी कहाँ की लड़की है वो उसका नाम क्या है ये सारी डिटेल रविंद्र ने अपनी फैमिली को नहीं बताई रविंद्र की फैमिली उनकी इस चुप्पी से काफी ज्यादा टेंस हो गई थी उन्हें आंसर चाहिए थे बट रविंद्र हैड टू लीव फॉर पाकिस्तान तो जाने से पहले रविंद्र ने अपने डैड से कहा कि मैं वापस आकर आपको सारी चीजें बताऊंगा बट अनफॉर्चुनेटली नाइनटीन की वो मुलाकात रविंद्र की आखिरी मुलाकात थी अपनी फैमिली के साथ We moved on to 1983, no. 1983 में नाबी अहमद की लाइफ में सब कुछ सही चल रहा था वॉज वर्किंग फॉर द पाकिस्तानी आर्मी ही वॉज सेंडिंग इन्फॉर्मेशन टू इंडिया और कहीं बार की तरह नाबी अहमद की इंफॉर्मेशन पास करने के लिए एक रॉ एजेंट पाकिस्तान आया। पंजाब के रहने वाले इनायत मसीहा इंडिया से पाकिस्तान आए रविंद्र से मिलनेट इनायत, इनायत ने पहले रॉ के लिए काफी सारे काम करे थे बट पाकिस्तान वो पहली बार जा रहे थे इनायत को कराची के थ्रू ही जाना था बट ही डिड नॉट नो दिस थिंग उन्हें बॉर्डर से ही फॉलो करा जा रहा था और नाबी अहमद या फिर रविंद्र से मिलने से पहले इनायत को पकड़ लिया गया था एंड देन ही वॉज टॉर्चर्ड बाय पाकिस्तानी आर्मी जब एक सोल्जर रॉ का पार्ट बनता है एक एजेंट बनता है तो उन्हें ये ट्रेनिंग दी जाती है कि पकड़े जाने पर वो कोई भी इन्फो लीक ना करें उन्हें ये ट्रेनिंग दी जाती है उनसे कसम ली जाती है मर जाओ पर एक भी इंफॉर्मेशन बाहर लीक मत करना क्योंकि एक इन्फो से कहीं जाने जा सकती है बट ट्रुथ बी टोल्ड पाकिस्तान में टॉर्चर सिस्टम काफ़ी ज़्यादा ख़राब है ऐसे ऐसे तरीके यूज़ करते हैं वो लोग अगर तुम लोग इस बारे में पढ़ोगे तो तुम्हारे रोंगते खड़े हो जाएंगे और इन्हीं टॉर्चर मेथड की वजह से इनायत लास्ट में दम टूट गया। उन्होंने बताया कि मैं एक रॉ एजेंट हूँ और मैं यहाँ रविंद्र से मिलने आया हूँ और रविंद्र का पाकिस्तानी नाम है नाबी अहमद शकीर बस इस एक मोमेंट में इतने सालों की मेहनत इतने सालों का ट्रस्ट एकदम हवा हो गया पाकिस्तानी आर्मी इफ दे वांटेड, वो सीधा जाकर रविंदर पे अटैक कर सकते थे पर उन्होंने ऐसा नहीं करा पाकिस्तानी आर्मी ने इनायत को जाने दिया उन्होंने कहा कि तुम जाकर अपने दिए गए टाइम पर डॉक्यूमेंट्स पास कर देना हम बस तुम्हें फॉलो करेंगे तो वो हुआ रविंद्र के बताए गए टाइम पर रविंद्र के बताए गए प्लेस पर इनायत उनसे एक पार्क पर मिले उसने पार्क के बेंच में डॉक्यूमेंट रखे और पाकिस्तानी आर्मी भी वही छुपी हुई थी फिर एक आदमी ने आकर उस डॉक्यूमेंट को उठाया एंड यह दैट वाज रविंद्र कौशिक ही वाज टॉर्चर्ड टू द पीक इन्फॉर्मेशन और ये गैसेस भी हैं कि कैसे उन्हें टॉर्चर करा गया था पर मैं ये तरीके बताने में यहाँ पर कंफर्टेबल नहीं फील करता हूँ बिना डिटेल्स में जाए हुए मैं ये कह सकता हूँ कि दैट दे यूज इलेक्ट्रिक शॉक ऑन है वाटर सफिकेशन बीटिंग और भी कई सारी चीजें करी थी उनके ऊपर रविंद्र कौशिक वो टॉर्चर अलॉट फिर कुछ दिनों कुछ हफ्तों कुछ महीनों तक ही नहीं पूरे दो साल तक उन्हें टॉर्चर करा गया था दो साल तक एक गलती के वजह से वो भी जो उन्होंने नहीं करी थी एक गलती की वजह से उन्हें टॉर्चर करा गया मरने वाली हालत तक उन्हें बार बार ले जाया गया पाकिस्तानी आर्मी उनसे पूछते रहे कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन तुमने इतने सालों में इंडिया भेजी थी किन किन लोगों के नाम और आर्मी के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ से इंडिया गई है और दो साल टॉर्चर होने के बावजूद रविंद्र कौशिक ने कुछ भी उन्हें नहीं बताया और वो ये सब कुछ बस सहते गए सिर्फ अपने देश के लिए और जब पाकिस्तानी आर्मी को लगा कि इस आदमी से हमें कुछ नहीं मिलने वाला है तो 1985 में उन्हें फांसी की सजा सुना दी गई थी 1985 में ही किसी तरह रविंद्र कौशिक ने इंडिया कुछ लेटर्स भेजे उन्होंने चिट्ठी अपनी फैमिली को भेजी और उन्होंने वहाँ उनके साथ क्या हो रहा है ये पूरी सिचुएशन समझाई उन्होंने ये बताया कि उनकी तबीयत बहुत खराब है और वो बस मरने के ब्रिंक पर ही है ही हैड होप्स कि शायद इंडियन गवर्नमेंट उनके लिए नेगोशिएट कर लेगी और शायद रैनसम देकर उन्हें वहां से बचा लेगी या फिर रविंद्र के बदले वो एक्सचेंज ऑफर रख लेंगे पाकिस्तानी सीक्रेट एजेंट्स के साथ क्योंकि रॉ एजेंट्स के एक्सचेंज पहले भी बहुत बार हुए थे पर इधर इंडिया में रॉ ने लिटरली रविंद्र को डिसोन कर दिया था उन्होंने कहा कि हम तो इस आदमी को जानते ही नहीं है हमारा इससे कोई कनेक्शन ही नहीं है और इस इंफॉर्मेशन की वजह से रविंद्र कौशिक के डैड को हार्ट अटैक आया और उनकी मौत हो गई बाद में ये लेटर्स लेकर रविंद्र के फैमिली मिनिस्टर पे गई होम मिनिस्टर पे गई पॉलिटिशियंस पे गई पर किसी ने भी उनकी फैमिली की या फिर रविंद्र की मदद नहीं करी एवरी रविंद्र के एक लेटर में ये भी लिखा गया था कि क्या भारत जैसे बड़े देश के लिए कुर्बानी देने वालों को यही मिलता है इंडियन गवर्नमेंट से कोई रिस्पॉन्स न मिलने पर रविंद्र को पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने मल्टीपल जेल्स में भेजा ताकि उन्हें पैटर्न ना याद हो और वो भागने की कोशिश ना करें पर इन सब के बीच में रविंद्र को पाकिस्तान में टीबी हो गया और पहले से ही तबीयत खराब होने के कारण फर्स्ट नवंबर टू को रविंद्र कौशिक की डेथ हो गई रविंद्र कौशिक की बताई हुई स्टोरीज उनके फैमिली लेटर्स की वजह से ही आज लाइट में है वन आई एम हंड्रेड परसेंट श्योर कि रविंद्र कौशिक की भी स्टोरी कहीं सारे रॉ एजेंट्स की तरह बस गायब हो जाती ब्रेव so इसीलिए उनका नाम इंडिया में इतने सारे लोग जानते हैं पर बस इंडिया में ही नहीं पाकिस्तान में भी उन्हें कई सारे लोग जानते थे आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ और कहानी एक ऐसे शख्स के बारे में है जो कि उन्नीस में 23 साल की उम्र में पाकिस्तान आया था और ये शख्स शख्स जो है ये कौन था इसके बारे में एक इंडियन अखबार है टेलीग्राफ टेलीग्राफ में इसकी स्टोरी शाया हुई थी 2002 में 30 दिसंबर 2002 को और इस शख्स का जो असल नाम है वो है रविंद्रा कौशिक लेकिन इसने अपना नाम तब्दील किया और इसका नाम बन गया जी नबी अहमद इंडिया अगर आज पीस पे है तो वो बस आर्मी सोल्जर्स जनरल्स या फिर फोर्सेस की वजह से ही नहीं ये जो हमारे देश के साइलेंट एजेंट्स हैं, जिन्हें कोई रिक्निशन नहीं मिलता जिनका कोई नाम भी नहीं जानता जो अपनी पूरी जिंदगी दे देते थे हैं हिंदुस्तान के लिए ये भी इंडिया की पीस रखने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं पर फिर यहाँ पर एक सवाल उठता है कि क्या जो इंडियन गवर्नमेंट ने या फिर रॉ ने रविंद्र के साथ करा रविंद्र के फैमिली के साथ करा या फिर रविंद्र जैसे कहीं सारे एजेंट्स के साथ करा होगा क्या वो चीज सही है एंड विद रविंद्र कौशिक की कहानी तो यहीं पर समाप्त होती है पर उनका नाम आई एम हंड्रेड परसेंट श्योर सभी हिंदुस्तानियों के दिल में रहेगा द एंडिंग ऑफ रविंद्र स्टोरी इज़ वेरी सैड सो आई डोंट रियली हैव एनी थिंग एल्स टू एड बट एम सब्सक्राइड टू मी बिफोर आई हेट अ मिलियन गाइज आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर हैप्पी प्लीज़ कीप योर लॉट बंस वेरी क्लोज टू यू गाइज एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सुन बाय बाय